हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों का? आई थिंक आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे चैनल पे, अग्निक चाला पे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में हमने जाना था मैनेजमेंट एज अ आर्ट, फिर उसका जाना हमने मैनेजमेंट एज अ साइंस, और आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में ज़्यादा रिवाइज नहीं करवाऊंगा बिकॉज ये मेरे को टॉपिक कवर करवाना है। हाँ, क्लास के लास्ट में देखेंगे रिवाइज करना है या नहीं। तो चार क्लासेज हो चुकी है हमारी, पाँचवीं क्लास है आज हमारी। तो आज हम जानने वाले हैं किसके बारे में, आपका मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के। भैया मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन होता क्या है, तो एक बार देख लेते हैं। कहता है सर प्रोफेशन की डेफिनेशन देखिएगा जरा क्या बोलता है। कहता है सर प्रोफेशन इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल व्हिच इज यूज्ड इंपार्शियली टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समझना जरा क्या आप क्या बोल रहा है भैया। देखो पहले हम प्रोफेशन की डेफिनेशन जानेंगे। क्या बोलता है सर? सर इट इज एन इकोनॉमिक आगे क्या बोल रहा है सर विच इज कंडक्टेड बाई अ पर्सन कंडक्टेड बाई पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज नॉलेज एंड विच इज तो जरा क्या बोल रहा है विच इज यूज्ड इम्पार्शियल सब the various section of भैया प्रोफेशन क्या बोलता है। कहता है भैया प्रोफेशन का मतलब क्या है। प्रोफेशन क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जिसके बदले क्या होगा सर, लेन देन होगा, हम सर्विसेज देंगे, आप लोग पैसा भेज। ठीक है, कंडक्टेड बाई अ पर्सन सर कौन कंडक्ट करेगा, एक आदमी एक इंसान कंडक्ट करेगा, हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, जिसको किसी पर्टिकुलर फील्ड की क्या होगी सर, स्पेशल नॉलेज होगी या उससे रिलेटेड उसको स्किल्स पता होंगे, विच इज यूज इम्पार्शियली टू सर्व द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि भैया वो यूज करेगा किस लिए, सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर को सर्व करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा सर इसके फीचर जानते हैं और चेक करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है या नहीं। तो सबसे पहले जो इसके फीचर्स आते हैं, फीचर्स में देखते हैं सर सबसे पहले क्या है हमारे पास। कहता है सर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ, पहले लिख लेते हैं सबको, मैं एक साथ समझा दूंगा आप लोगों को। सेकेंड बोलता है क्या सर, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ठीक है सर। फिर बोल रहा है क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन, फिर बोलता है सर आपका क्या कोड ऑफ कंडक्ट, लास्ट बोलता आपका क्या सर्विस सर्विस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर है। तो समझते हैं जरा सर, सबसे पहला समझते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। भैया प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। यानी कि भैया एक अपनी एक थ्योरी है, उनकी अपना एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सीए करना है, यू वॉन्ट टू परस्यू सीए, है ना, तो क्या करना पड़ेगा भैया, मेरे को पहले सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा क्या सीए फाउंडेशन, पहले सीपीटी हुआ करता था, फिर उसके बाद मेरे को सीए इंटरमीडिएट देना पड़ेगा, सीए इंटर देना पड़ेगा जिसमें दो ग्रुप्स होंगे, फिर भैया मेरे को क्या करनी पड़ेगी आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी 2.5 साल की, और भैया इसके बाद आर्टिकलशिप के बाद हम क्या देते हैं आपका सीए फाइनल देते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के हुए बिना भैया आप सीए नहीं बन सकते, समझ गए। तो भैया
इसका एक अपना थ्योरी, एक इसका कॉन्सेप्ट है सेम भैया, क्या है मैनेजमेंट के अंदर भी एक अपनी खुद की इसकी वेल डिफाइंड थ्योरी मैनेजमेंट की है। हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं ना भाई मैनेजमेंट, समझ रहे हो, तो मैनेजमेंट की भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करती है और इसकी भी एग्जिस्ट करती है। तो भैया यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो एज अ प्रोफेशन क्या करता है, वर्क करता है। सेकेंड बोलता है कि अभी आपका रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये बताओ फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऑडिट करना है किसी कंपनी का, बट मैं सीए नहीं हूँ, क्या मैं ऑडिट कर पाऊंगा सर? सर नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि भैया ऑडिट करने के लिए सीए होना क्या है जरूरी है, ये बताओ। क्या आप अभी फॉर एग्जाम्पल आप 11 12th में हो या व्हाटएवर जो भी जिस भी कोर्स में हो, क्या आप अपने नाम के आगे सीए लगा सकते हो? क्या आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो सर? क्या आप अपने नाम के आगे सीएमए लगा सकते हो सर? नहीं लगवा सकते। क्या अपने नाम के आगे एडवोकेट लगवा सकते हो सर? नहीं लगवा सकते। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर एंट्री क्या है, रिस्ट्रिक्टेड। जब तक आप ये पूरा स्ट्रक्चर फॉलो करके नहीं आएंगे, एक स्पेशल ट्रेनिंग होता है, एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, जब तक वो आप कंप्लीट करके नहीं आते तब तक आप अपने नाम के आगे ये चीजें यूज नहीं कर सकते। यानी कि भैया हर कोई प्रोफेशन को प्रोफेशन फॉलो नहीं कर सकता, हर कोई प्रोफेशन के अंदर नहीं घुस सकता। बट मैनेजमेंट करने के लिए क्या किसी कोर्स को करने की जरूरत है सर? नहीं। क्या कोई रोक देगा मुझे अगर फॉर एग्जांपल कल को मैं किसी शादी का वो ले लूं, ठीक है, टेंडर ले लूं, मैं शादी का मैनेजमेंट देख रहा हूं, क्या कोई मुझे रोक देगा, बोलेगा तेरे पास डिग्री नहीं है, तू मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करके आया, तू नहीं कर सकता, कोई रोक सकता है क्या? नहीं। मैं अपने घर में चीजों को कैसे मैनेज करूं, क्या कोई मुझे रोक सकता उसके लिए? क्या रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है प्रोफेशन में? प्रोफेशन में तो है, बट सर मैनेजमेंट के अंदर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। एनी वन कैन परफॉर्म दी मैनेजमेंट। तो आप लिख सकते हो इसके अंदर क्या, अंडर प्रोफेशन देर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एवरी वन कैन नॉट बी अ प्रोफेशन, बट अंडर मैनेजमेंट देर इज नो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, एनी पर्सन कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भैया आप इसके अंदर लिख लो। फिर आता है कि आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। भैया प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब सर सीए के लिए एक इंस्टीट्यूट है आईसी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, ऐसी होता है सीएमए, इसके लिए भी है आपका आईसी, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, फिर है सी एस, इसके लिए है आई सी एस आई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, समझ गए हाँ या ना सर? ऐसे ही लॉयर्स के लिए है आपका क्या, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है कि नहीं सर? हाँ या ना, है कि नहीं सर? बिल्कुल है। तो भैया ये देखो इनके क्या बने हुए, प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि भैया ये एसोसिएशन इंश्योर करते कि हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर्स जो हैं वो प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, जो उनके हक हैं उनके हक उनको मिल रहे हैं कि नहीं। बट मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ है, देयर इज नो प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो भैया यहाँ पर भी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या हो जाता है, आपका फेल हो जाता। नेक्स्ट आता है आपका क्या सर, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है सर? रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो वक्त वक्त पे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन होते हैं, वो क्या निकालते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन निकालते हैं जो कि प्रोफेशनल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रूल निकाला था क्या, कि भैया जितने भी जो ट्रेनी होते हैं, जो मतलब लॉयर नहीं बने होते हैं, अपना कोर्स कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कुछ टाइम के लिए, वो लोग कोर्ट में कोट डाल के नहीं आएंगे, सिर्फ शर्ट पैंट डाल के आएंगे, ताकि दो लोगों में डिफरेंशिएट किया जा सके कि कौन एक्चुअल में लॉयर बन चुका है और कौन अभी ट्रेनिंग पे है, समझ गए। ऐसे ही बीच में आईसीएआई ने रूल निकाला था क्या, कि आप सोशल साइट पे, सोशल मीडिया पे अपने नाम के आगे सीए नहीं लगाएंगे। जैसे आपने देखा होगा लोग लगाते हैं, तो बोला आप अपने नाम के आगे सीए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? बिकॉज जब आप अपने नाम के आगे सीए लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, दूसरों को इंफीरियर फील करवा रहे हो सोशल मीडिया पे। तो भैया इंस्टीट्यूट ने बोला ये नहीं लगाना, तो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लाते रहते हैं, ठीक है। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कुछ गड़बड़ी करी, जैसे अभी होने लगा है कि भैया अगर आपने ऑडिट में कुछ चीजें छुपाई, आपने टैक्स की ज्यादा चोरी करी, तो भैया इंस्टीट्यूट आपकी मेंबरशिप भी कैंसिल कर देगा। हाँ सर, 6-10 साल में मेहनत करूं, सीए बनूं, उसके बाद इंस्टीट्यूट मेरी मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं किया तो आपकी मेंबरशिप क्या कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, कैंसिल कर दी जाती है, खारिज कर दी। हाँ ना, बोलिए सर, हाँ ना, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। तो भैया ये बताओ, क्या मैनेजमेंट में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं? नहीं सर, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। आगे सर्विस मोटिव, सर प्रोफेशंस का भी अल्टीमेट काम क्या है, टू सर्व द सोसाइटी। सर्विस मोटिव और प्रोफेशन में भी क्या होता है सर, वी सर्व द सोसाइटी, यानी कि भैया अल्टीमेट मकसद क्या आपका, सर्विसेज प्रोवाइड करना। हाँ या ना, तो भैया आप सिंपली देखो, आप सिंपली सीए का एक एग्जांपल याद रखो, आपको सारे फीचर याद हो जाएंगे। क्या भैया एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, यानी कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सर हर कोई अपने नाम के आगे सीए नहीं लगा सकता, तो इसलिए क्या है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। सर जो इंस्टीट्यूट है वो क्या आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन है,
जो वक्त वक्त पे क्या इशू करता है, कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है, और अल्टीमेट मकसद क्या हमारा सर्विस प्रोवाइड करना। बोलो याद हो गया क्या पांचों के पांचों के सर? फिर से क्या सर? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है क्योंकि कोर्स का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई सीए शब्द अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। हमारे पास क्या एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूट है, जो टाइम टू टाइम क्या इशू करता है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट इशू करता है, और अल्टीमेट मकसद क्या सर आपका? सर्विसेज प्रोवाइड करना। बोलो भारत माता की जय। इतना सा है क्या आपका? इतना सा आपका क्या सर? प्रोफेशन, बस इतना सा ही है प्रोफेशन। अगर इतना समझ आ गया तो भैया खत्म, समझ गए? तो भैया आज के दिन हम जो अभी तक पढ़ चुके हैं, फिलहाल अभी तक हम जो कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर वन में, हमने कर लिया क्या कि भैया मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फीचर हमने करे क्या, सीआईडी की गेम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं चाहे तो फटाफट से। सर सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था क्या मैनेजमेंट क्या है? भैया प्रोसेस है कंडक्टिंग का सेट ऑफ फंक्शन टू गेट द वर्क डन इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? टाइमली काम करना। एफिशिएंट का मतलब क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव काम करना। फीचर क्या थे? सीआईडी की गेम सी से कंटीन्यूअस, आई से इंटेंजिबल, डी से डायनेमिक, जी से गोल ओरिएंटेड, जी से ग्रुप एक्टिविटी, ए से ऐसे क्या था आपका ऑल प्रोग्रेसिव, और एम से क्या था मल्टी डायमेंशन। तीन डायमेंशन होती है क्या? पीपल, वर्क और प्रोसेस। फिर सर हमने दूसरी क्लास के अंदर जाना क्या? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल। सर ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता? जीपीएस को सेट करना, यानी कि ग्रोथ, प्रॉफिट और सर्वाइवल। सोशल और इंडिविजुअल बहुत बेसिक थे, मैं नहीं करवा रहा रिवाइज। आगे फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट में क्या था सर? थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, ठीक है भैया, उसके बाद क्या है पर्सनलाइज एप्लीकेशन होगी, और भैया बेस्ड होगा प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। फिर हमने जाना लास्ट क्लास में क्या आपका? लास्ट क्लास में जाना मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो साइंस, तो भैया हमने क्या जाना आपका सर? मैनेजमेंट एज अ साइंस में क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है सर? यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है। तो हमने बोल दिया क्या? तीन में से दो अप्लाई हो, तो हमने बोल दिया क्या? मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, अप्लाइड साइंस, नॉट अ परफेक्ट साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पांच में से सिर्फ दो अप्लाई हुए, बाकी तीन रह गए। तो भैया इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे क्या कि मैनेजमेंट इन इंडिया एज प्रोफेशन इज स्टिल एट इट्स इन्फेंसी। एग्जाम में इसी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आता है, इट्स स्टिल एट इन्फेंसी। इन्फेंसी, इन्फेंट समझते हो, शिशु, बच्चा, समझ रहे हो? तो भैया इंडिया में जो भी प्रोफेशन माना मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के तौर पे अभी क्या है, बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज पे है। पांच में से सिर्फ दो ही चीजें यहाँ पर क्या हो पा रही है? अप्लाई हो पा रही है, बाकी चीजें क्या हो जा रही है? कैंसिल हो जा रही है। तो भैया आज की क्लास के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में भी एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या क्या? लेवल्स ऑफ मैनेजर्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है, प्लेटफॉर्म एरिया, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, समझते रहिए, समझाते, ठीक है, टेक केयर।